मेरा लिट्टी बन करके ये तैयार हो गया है। लिट्टी चोखा बहुत टेस्टी है, यम्मी। इसे कैसे बनाया जाता है इसे मैं आगे सिखाती हूँ। देखिए इसे कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके आगे मैं बताती हूँ। चलिए इसका प्रोसेस क्या है आगे मैं सिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आज बिहारी सत्तू का मसाला बता रही हूँ, जिसमें सत्तू का पराठा बनाइए या लिट्टी बनाइए। मैं तो लिट्टी बनाने जा रही हूँ, अम्मी अम्मी लिट्टी। आज बारिश हो रही है, लिट्टी का मजा लेने जा रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से लिट्टी बनाइए, बिहारी स्टाइल से लिट्टी। मैंने इसमें क्या क्या डाला जाता है मैं बताती हूँ। अजवाइन है, मंगरेला है और नमक है, मैंने ये डाल के। ये सत्तू है जो स्पेशली बिहार में ज़्यादा मिलता है। और ये हो गया मिर्च, लहसुन और प्याज। इसमें चाहे तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, या नहीं तो अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। मैं अचार का मसाला डाल रही हूँ, आप नींबू भी डाल सकते हैं, एक ही टेस्ट होता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। देखिए कैसे मसाला तैयार किया जाता है। इसमें धनिया का पत्ता भी डालेंगे। और लिट्टी का आटा मेरा बना हुआ है, इसे भी मैं बताऊंगी इसमें क्या क्या डाला जाता है, कैसे आटा मला जाता है दूसरे वीडियो में। आज मैं इसे तैयार कर रखी थी इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई। नेक्स्ट वीडियो में लिट्टी का भी मैं बताऊंगी इसमें आटा में क्या क्या मिक्स किया जाता है जिससे लिट्टी बनाया जाता है। बिहार का सबसे फेवरेट खाना लिट्टी चोखा। अजवाइन, मंगरेला और अचार को सब मिक्स कर दिया गया है। ये चोखा के लिए आधा मटेरियल को हटा दिया गया है। ये ओनियन है, सबको अच्छी तरह से प्याज में मिला लेंगे। अगर डायरेक्ट सत्तू में करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, प्याज अलग लगेगा, टेस्ट अलग लगेगा। सत्तू में, प्याज में सारा को अच्छी तरह से मिला करके तब ये सत्तू में मिलाया जाता है। देसी सत्तू मसाला। थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। थोड़ा पानी भी यूज करेंगे, हल्का हल्का पानी देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, गीला ज्यादा नहीं होना चाहिए, भुरभुरा होना चाहिए। इस तरह से अगर आप लोग सत्तू का मसाला बनाते हैं तो एक नंबर टेस्टी सत्तू का मसाला तैयार होता है। आप लोग भी बनाइए और बना करके सर्दियों का लुत्फ उठाइए, लिट्टी बताइए बनाइए। मैं आज लिट्टी भी बताऊंगी कैसे लिट्टी बनाया जाता है और कैसे सेका जाता है। अच्छी तरह से मिलाएंगे जिससे कि अच्छी तरह सत्तू में मिल जाए। ये मेरा सत्तू का मसाला तैयार है। धनिया के पत्ता डाल करके मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सत्तू का मसाला मेरा तैयार। अब ये लिट्टी में भरने के लिए ये मसाला तैयार हो गया है।
अब लिट्टी में कैसे भरेंगे वो आगे देखिए। मेरा लिट्टी आटे में सत्तू भरा जा रहा, लिट्टी के लिए तैयारी किया जा रहा है। इस तरह से आप सारी लिट्टी को भर लेंगे। इस तरह से मेरा ये लिट्टी बाटी का है, इसमें सारे मैंने ये पका रखे, इसमें सारे मैं बना करके पकाऊंगी। देखिए किस तरह से राउंड बनाया जा रहा है आटे का। इसमें अच्छी तरह से सत्तू भरेंगे। ये मेरा बन करके तैयार यहाँ रख दिया गया है। ओके, पकने के बाद दिखाती हूँ कि कैसा टेस्ट आता है। ये मेरा लिट्टी पक रहा है। लिट्टी पकने का मतलब है इस तरह से फटना शुरू हो जाएगा, तो समझिए आप लिट्टी अच्छा आपका बन रहा है। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी लिट्टी चोखा सर्दियों में बनाइए और खाइए और लुत्फ उठाइए। ओके बाय, टाटा। मेरा लिट्टी बन करके ये तैयार हो गया है। लिट्टी चोखा बहुत टेस्टी है, यम्मी। इसे कैसे बनाया जाता है इसे मैं आगे सिखाती हूँ। देखिए इसे कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके आगे मैं बताती हूँ। चलिए इसका प्रोसेस क्या है आगे मैं सिखाती हूँ।